सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हम सब लोग। मेरा नाम केशव और आप देख रहे हैं गेमिंग प्लाट चैनल। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रेनी 3। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम ग्रेनी का जो हाउस है उसको एस्केप नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिकॉज वो हमारा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था ग्रेनी में। तो ये हमारा सेकेंड अटैम्प्ट है और अब हमें इस गेम के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो हमें इस लोकर में बेसमेंट में बंद करा हुआ है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये एक लोकर पिकर ढूंढना होगा, जो कि पिक द होल टू पिक द लोक। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है। तो ये खुल रहा है भाई, ये शुरुआत में तो बहुत टाइम लेता है खुलने में, लेकिन जब हम धीरे धीरे हमारा डे बाई डे होता है तो इसको स्पीड बढ़ती जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है। भाई हमने इस गेट को खोला, तो जब तक भाई हम हाउस को स्केप करते हैं, तो भाई आप जल्द से जल्द स्टोर को तो भाई खाली। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, सबसे पहले सब खोला वेपन की भाई, वेपन की हमें वेपन की से भाई ऊपर जाना होगा सबसे पहले। तो चलो भाई, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा एडिटिंग के टाइम, तो आपका भी टाइम वेस्ट ना होगा ताकि। तो भाई यार, इस कार में कुछ भी नहीं भाई, इसका आधे से अरे भाई यार ये सलटिंग ना, जो भी इसका ये आत्मा है ना भाई, ये बहुत डेंजरस है भाई, सबसे ज़्यादा डेंजरस तो इसमें ये है। और गाइस, अगर आपको मैं इसका एक सीक्रेट बताऊँ ना, तो आप इससे भाई एक सेकंड रुको, सीक्रेट बाद में भाई, मैं आपको सलटिंग से उस आत्मा से लड़ने का ऐसा मस्त तरीका बताऊँगा ना कि आप उससे कभी भी मरोगे ही नहीं। वैसे बहुत से लोगों को शायद लगता होगा कि वो मारती नहीं है, लेकिन भाई वो मारती है भाई। ये वेपन की हमसे यहाँ पर गुलेल नहीं, भाई वेपन के नाम पर गुलेल यार, हद है यार। ग्रेनी 1 और 2 में ही अच्छा था, कम से कम कुछ अच्छा तो देते थे, इसमें तो गुलेल देते हैं यार। और इसमें तो भाई शॉर्ट गन भी उसके हाथ में ही रहती है। ग्रेनी 1 और 2 में तो हमको बनानी पड़ती थी, और ग्रेनी 2 में भाई मुझे सही से याद नहीं आ रहा क्या करना पड़ता था, लेकिन भाई इसमें तो उसके हाथ में ही रहती है भाई। तो भाई अरे यार, ये आगे बुढ़ा, अरे भाई बुढ़े के हाथ में शॉर्ट गन छीना भाई। एक एमओ का तू क्या कर रहा है भाई, एक एमओ कैसे चला रहा है तू यार, इसमें एक एमओ क्यों है भाई यार। ये क्या पड़ा है भाई यहाँ पे, एक कोइन का भाई कोई काम अगर होगा तो आ जाएंगे लेने। तो सबसे पहले भाई हमें यहाँ पे यार प्लैंक लाना होगा मेरे को, यहाँ पे लकड़ी का जो पुट्ठा टाइप होता है ना उसे। तो भाई सबसे पहले हम ऊपर चल के देखते हैं उस कौवे के पास क्या है, उस कौवे को भाई इस गन से उड़ा देंगे कौवे को भाई। अरे अरे यार भाई, हमें फट गया ये भाई, इसके तो छितड़े ही उड़ गए, ये यहाँ से उड़ गया भाई, क्या हो गया। चलो यहाँ से एक बार कूद जाते हैं पहला ही दिन भाई, ये क्या हुआ। अरे भाई पहला ही तो दिन था इतनी सी ऊंचाई में भाई, यार ये क्या हुआ यार, डे टू पे ना मतलब आया है भाई। चलो भाई अभी इसको खोलने को जगह पे इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ भाई, डे टू में इतनी जल्दी नहीं खुलता, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, आपको भी पता ही है। तो भाई हमको यहाँ से प्लेन को पुट्ठा उठाना होगा और वहीं पर ही लगाना होगा जाके। तो भाई अभी हमें बिल्कुल ऊपर जाना होगा भाई, बुढ़ा बुढ़ी है तो नहीं, और बुढ़ी है भाई, भाई क्या हो गया इस बुढ़ी को। चलो भाई हम यहाँ से निकल लेते हैं ऊपर पहले फटाफट। अरे यार ये बुढ़ा भी आ गया यार, अब कहाँ से निकलें भाई। हम एक काम करते हैं, इधर से आते हैं तो पूरा उधर से घर घूम घुमा के आएंगे ताकि उसको मिले नहीं। तो भाई अभी हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, हमें कोई मतलब रास्ते में। अरे यार हाँ भाई, मैं इसका सर्टिना का आपको एक और सीक्रेट बताने वाला था कि इसको आप कैसे डिफीट कर सकते हो भाई, लेकिन यार मैं जब भी बताने जाता हूँ ना यार, ये बुढ़ा या बुढ़ी दोनों बीच में आ जाते हैं भाई, फिर हम भाई से बाहर नहीं होते। हाँ तो भाई मैं इसको भी बता रहा था कि आप इससे जितना दूर जाओगे ना, ये उतने तो आप उससे मर जाओगे। जैसे ही आपको दिखे इसके पास जाके मतलब इसके आर पार होने की कोशिश करो तो ये हार जाएगी। तो भाई हमने इसको वहाँ पे तो लगा दिया, तो अभी हम यहाँ पे अपनी गुलेल उठा लेते हैं हमको। ओ भाई आ गए बुढ़ी, ये ले तेरी बुढ़ी, बुढ़ी कहीं की अभी तेरे भाई भाई वैसे तो मर गया यार, जीने वाले आदमी को तो जीने दो शांति से, यहाँ घर में बंद करके रख देते हो भाई। हमने लास्ट एपिसोड में इंट्रो में देखा था भाई, ये आदमी यहाँ लेने के आया, इसको इतना भूतिया इतना हॉरर हाउस नहीं दिखा जो ये यहाँ पे आ गया इसमें घुसने भाई यार, हद यार। ठीक है भाई, हम एस्केप करने की कोशिश करेंगे भाई, हमें यहाँ पे फ्यूज़ मिल चुका है, तो हमने यहाँ फ्यूज़ लगा दिया है। तो भाई अभी हम फ्यूज़ लगा के तो नीचे आ चुके हैं, तो भाई जल्दी से अभी। अरे यार ये भाई ऐसा चेंज होता है ना भाई, ऊपर से तो मैं रात में गेम खेल रहा हूँ यार, ऐसा डर लग रहा है ना भाई। देखा भाई, मतलब आप इसको जितना करीब जाओगे ना, इतना हार जाओगे, मतलब ये हार जाएगी। अगर नीचे यहाँ से कहाँ है तोड़ना होगा, और ये वो हैंडल है जिससे हमें ब्रिज को नीचे करना होगा वापस, जो ये अपने आप इंट्रो में हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, जो ये ऊपर हो गया था। तो हमें सबसे पहले इसे नीचे करना होगा ब्रिज से, तो पहले हमें गुलेल
बुलेल तो भाई हमें यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, तो बराबर हम ब्रिज के पास चलते हैं। तो ओके गाइस, अभी हम यहाँ पे ब्रिज के पास आ चुके हैं, तो हमें इस ब्रिज के हैंडल को यहाँ लगा के इसको रोटेट करना होगा, घुमाना होगा। यार ये बुड्ढी पीछा ही नहीं छोड़ रही, इससे साउंड आता भी है क्या? तो भाई हमें उस बुड्ढी से बच के वापस यहाँ पे आ चुके हैं हमारी बुलेल लेने। भाई हमारे पास ये एक ही स्टोन है यार भाई, तो भाई अभी हम वापस यहाँ पे बाहर आ चुके हैं ओवर स्टोन कलेक्ट करने। तो ओवर स्टोन हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं उसके भाई ताकि, अरे यार इस लैंप यार सबसे पहले तो इसका काम खत्म करना पड़ेगा भाई। मैं रात में गेम खेल रहा हूँ ऐसे ही, और ये आई पे आई जा रही है यार भाई, ऐसा मतलब डर लग रहा है ना भाई। तो भाई जैसे ही अचानक से आती है ना, मेरे दिल सहम जाता है बिल्कुल। हेड शॉट मारेंगे मत्थे पे, ये ले भाई मत्थे पे तो नहीं पड़े, गर्दन पे जब उतर गया भाई ये। जैसे भाई मेरे को ये बताना, यहाँ पे इनका हम इनको कभी मारते हैं जैसे 2 मिनट या 2.5 मिनट इसमें लिख के आता है। ग्रेन 1 में भी ये 2 मिनट के लिए मारती थी, ग्रेन 2 में भी 2.5 मिनट के लिए इसको मारा। तो भाई सही में 2.5 मिनट के लिए मरते भी हैं या फिर ये ऐसे ही? भाई हमें इस शॉर्ट गन को छुपाना होगा, शॉर्ट गन को छुपा के रखना होगा भाई। सबसे पहले हमें दोनों ही भी हारे हुए हैं, तो हमें इसको वो टेडी एंड टेडी भाई अब इसको छुपाने का टाइम है। इसमें वैसे भी 2 मिनट तब निकलते पता भी नहीं चल रहा। सबसे पहले भाई हमने इसको लेकर के खोल के इस टेडी को ले लिया, तो भाई हम टेडी को सबसे पहले जगह के ऊपर रखते ताकि ये सेंट्री ना जो भाई ना ये मारे यार भाई इसकी। भाई मैं रात को वैसे ही गेम खेल रहा हूँ और ये बहुत परेशान कर रही है। तो अभी हम ऊपर लिफ्ट से आ चुके हैं क्योंकि भाई लिफ्ट से आना सेफ था, तो यहाँ पर हम इसको पटक देते हैं। अरे यार नहीं, इसमें ड्रॉप करना है। तो यार भाई भाई देखो यार कितनी डरावनी है भाई रात में ये। तो फाइनली गाइस अभी हमारा इस तो पीछे छूट चुका है, तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे गेम बहुत ही सेफली से भाई, सेफ की वाव सो नाइस कॉम्बिनेशन। सो भाई कुछ सेंसर नहीं है फिर भी भाई बोलने का। तो भाई हमें सेफ की बाथरूम में लगानी है भाई, बाथरूम में लॉकर लगते हैं भाई। वाव अलग ही सीन है भाई इनका। इसमें क्या है भाई, शील्ड की, ओके ये रेड की, ये रेड की भाई काम करते हैं। मैं छत से नीचे फेंक देते हैं भाई, मैं यही करनी यहाँ पर आएगा कि हम क्या छत से नीचे फेंक देते हैं ताकि हम सीधा नीचे ही ले लेंगे क्योंकि ये नीचे ही काम आने वाली है। एक ही जगह यूज़ है इसका, कई जगह शायद इसका यूज़ नहीं है, तो हम यहाँ से नीचे उतरते हैं फटाफट। तो भाई अभी हम चलते हैं नीचे ही नीचे, सबसे नीचे भाई। अरे यार ये बुढ़ी साली पीछा ही नहीं भाई, 2.5 मिनट हो भी गए क्या यार इतनी जल्दी? भाई आप लोग कभी भी ग्रेनी खेलते हो तो भाई आपको 2.5 मिनट लगते नहीं कि भाई बहुत जल्दी हो गए? तो भाई अभी हम यहाँ से चलते हैं। यार ये बुढ़ी फिर से आ गई, ये बुढ़ी भाई फिर से आ गई, ये बुढ़ी पिटेगी। अरे अरे यार ये नहीं यार, अब मैं दोनों तरफ से फंस गया भाई, जल्दी से ऊपर इनके नीचे छुपना होगा भाई। लगता है देख लिया क्या, देख लिया क्या भाई, देख लिया क्या नीचे नहीं। अरे यार देख लिया यार भाई, क्या मारते हैं भाई। Day 3 भाई, वैसे ये लास्ट डे तो हमारा नहीं है लेकिन भाई हमारा लास्ट डे ही समझ लो, क्योंकि अगर वीडियो में कहीं ख़राब हो तो भाई फिर वो वीडियो बनाने का वो मज़ा नहीं आता भाई। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि इसे इसी दिन में पार करूँ। तो भाई अभी हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं और नहीं शील्ड की काम करते हैं पहले, सबसे पहले शील्ड की से इसको खोल देते हैं। अरे यार ये बुढ़ा, अरे भाई शॉट गन बचा, ठीक है सबसे पहले इसका निशाना चुका, निशाना चुका भाई, हमारा निशाना नहीं चुका भाई, कसम से अगर इसका निशाना लग जाता भाई। ये खाली गोली चला रहा था भाई, एक ही गोली थी क्या उसमें भाई? एक गोली बचा ही लेता यार। तो भाई हम सबसे पहले वहाँ जाके इसको खोल जाते हैं लोक से लोकर को। अरे यार ये बुढ़ी भी ना इसकी, छोड़ो भाई सभी हमारे पास एक पत्थर होगा तो अच्छा हुआ, अगर ये भी पत्थर मिलेगा भाई हम बहुत दूर पहुँच जाते। चलो ये भी ख़त्म। तो भाई अभी हम यहाँ से फटाफट उसके पास लोकर के पास जाते हैं, मतलब उस जनरेटर के पास, शायद जनरेटर ही है, तो उस जनरेटर के पास जाते हैं इस रेड की को लेकर। भाई यहाँ पे एक स्टोन है, स्टोन को भी उठा लेते हैं हम, वह स्टोन बहुत काम आने वाले हैं हमारे पूरे मैप में, मतलब सॉरी पूरे हाउस में। मतलब यहाँ पे क्या ट्रेन के, भाई ट्रेन से हमें एस्केप नहीं करना है, हमें डोर से एस्केप करना है। तो ट्रेन की हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है, तो भाई उसमें हमें एक यूज़लेस आइटम है, लेकिन उसे खोलना वेस्ट नहीं है, मतलब हमारा वेस्ट नहीं जाएगा भाई। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी भाई 2.5 मिनट तो नहीं हुए भाई, मुझे पता है इतनी जल्दी 2.5 मिनट नहीं हो सकते यार, बहुत जल्दी 2.5 मिनट हो भाई। लोगों आपको बताओ भाई 2.5 मिनट अभी हो चुके हैं क्या भाई? यार स्कैम कर रहे हैं मेरे साथ को तो गेम वाले। कोई नहीं भाई सोलो में थोड़ा सा। तो भाई अभी हमने सबसे पहले देखना होगा कि वो बुढ़ा बुढ़ी वापस तो जिंदा, मतलब कहाँ पर है भाई वो? जिंदा तो फिर हो ही गए भाई, इसके बजाय सबसे पहले बचा दिया भाई, मुझे सबसे पहले लगा मिशन चुके भाई। अगर आप देख सकते हैं ग्रैंडपा इज़ नाउ गॉन 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 2.5 मिनट के लिए मर गए लगभग, या बेहोश हो गए। तो भाई अभी हम दोनों को टक्का दिया है, तो भाई अभी एक काम करते हैं गुलेल लेते हैं और उन दोनों वो जो जार है ना जो वहाँ पे रखे रहते हैं वो लकड़ी के वो पुट्ठे के ऊपर,
वहाँ पे जाते हैं भाई। हम सबसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं, इन दोनों को गिराते हैं। इसको मारा पत्थर से, ये गिर गया। और चलो भाई अभी इधर से चलते हैं। ये रहा यहाँ पर दूसरा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ गिरा है। तो भाई ये कहाँ गिरा है हमने देख लिया, यहाँ गिरा है। ठीक है, एक हमारे पास स्टोन है, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं गुलेल को। और हम इस लकड़ी का जो ये पुट्टा है इससे इधर चलते हैं। तो भाई अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसको नीचे फेंकते हैं यहाँ से। और इस वाले जार को भी यहाँ से लेकर कूद जाते हुए फेंके, क्योंकि हमको भी कूद नहीं है भाई। हम इसको पानी यहाँ पे हमने इसमें से भर लिया है, तो अभी हम इसको वहाँ पे जाकर रखना होगा जहाँ पे मतलब हमको ये पुट्टा हम लगा यहाँ पर भी। हाँ, तो हमें उसको भी ऐसे रख के रखना होगा। तो गाइस हमने भी इसमें पानी भर के इसको भी यहाँ पे ऐसे रख लिया। तो हमें सबसे पहले हमें पैडलॉक की ढूंढनी होगी। अब पैडलॉक की भाई कहाँ मिल सकती है भाई? वैसे हमने इधर वाले फ्लोर पे कुछ, इधर वाले जगह पे कोई चेक नहीं कराया, तो भाई इधर वाले फ्लोर पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो उसमें हाँ भाई कोकोनट, अगर अभी यहाँ पर नहीं आ जाना भाई, सच में भाई बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था, बहुत ज़्यादा हमें ढूंढना पड़ता था। अभी यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो भाई आप भी एक बार यहाँ पर चेक कर लेना। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अरे यार ये ग्रेनी यार साली बुढ़ी कहीं की मर जा, मर तो वैसे ही गई है। तो भाई हम यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ओके गाइस, हमने यहाँ पे बहुत देर वेट कर लिया है, तो अभी हमें ऊपर चलना होगा। तो भाई अब ग्रेनी यार भाई बुढ़ी अब तो मत ना जी लेना, अभी ये बुढ़ा चेन नहीं ले रहा यार। ओके गाइस, मतलब अभी तक इसके हाथ में हमारी शॉट गन। ओ भाई ओ भाई, अभी ये बुढ़ी अगर मुझे देख लेती ना भाई, हमारा इस नारियल की तरह इस हमारा नारियल तोड़ देती भाई। ओ भाई क्या बचा होगा यार, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है भाई, देख सकते हो आप सभी। क्या बचा हूँ भाई यार, इस बुढ़ी को मैं दिखाई नहीं भाई, ये सब बहुत मैं भी सोच रहा हूँ मैं कैसे बच गया भाई, मैं कैसे। अरे अरे भाई बच गया, मौत को छू के टक से वापस आ सकता भाई। सही में भाई मैं बिल्कुल मौत के मुंह में से आया हूँ भाई। और हम यहाँ पे हमने चेक कर लिया, यहाँ पे हमने सब लगा दिया है, कोई आ तो नहीं रहा है ना भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा शांत माहौल चाहिए था, क्योंकि भाई हम दो बार मरते मरते बिल्कुल जरा से बच गए भाई, शायद भगवान ने बचाया भाई ऐसा लग रहा है। तो भाई अब हमें यहाँ पे पैडलॉक की तो मिल चुकी भाई, हमें इससे तो भाई हमें शायद इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो भाई अब यहाँ से सीधा क्या नीचे कूदेंगे, यहाँ से कूदेंगे भाई। इधर एक लिफ्ट है, ये ICU का भाई, हमें कुछ वो तो आया लेकिन देखते हैं साउंड, शायद मेरा ही वो वीडियो मौका शायद नहीं आया। तो भाई अभी हम यहाँ पे पैडलॉक की लेकर आ चुके हैं, हमने इसे खोल दिया है। और हमें यहाँ पर मिल चुका है जिससे हमें बिजली पैदा करनी थी। ठीक है भाई, हमें वहाँ पर लग से भी, ओ भाई मेरे को लगा था ये नीचे गया था भाई, हमने देखा था ये हम बच गए थे, ये नीचे गया था। लेकिन भाई मुझे लगा था भाई ऊपर इतनी देर वेट करा तो ये नीचे नहीं होगा भाई, ये नीचे ही था भाई। हमें इस ये भी मान सकते हो यहाँ पे भी हम मरते मरते बच गए। तो भाई अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, अब हम पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चालू करनी है। तो यहाँ से करंट गया तो मतलब पूरे घर में शायद इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। तो भाई अभी हम यहाँ से ऊपर जाते हैं सबसे पहले, और बटन दबाने का सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये बुढ़ी ने चैन नहीं लिया, ये इतनी आसानी से हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। तो भाई अभी हमें बस एक काम करना है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जाके उस बटन से इस गेट को खोलना है जो कि हमने कर दिया है। तो ये गेट का बटन हमने दबा दिया है, तो हमारे पास 3 स्टोन से अब हमारे पास सामने कोई बाई चांस आ भी जाता है, तो भाई हमने सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक गुलेल रख ली है जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। तो भाई हमने ICU का इस बार पक्का सुना है भाई साउंड, इस बार हमने बिल्कुल पक्का साउंड सुना है ICU। हम बुढ़े ने हमें देख लिया, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बुढ़ा कहाँ पर है। भाई अब जल्दी से इस लिफ्ट से नीचे कूद, नीचे कूद जा भाई, नीचे कूद जा, नीचे कूद ही जा भाई अब। अरे भाई पुट्टी, ओ भाई बच गए और बच गए, अगर अभी हम इसे शूट नहीं करते ना भाई तो अभी हमारा चौथा दिन आता है, फिर हमें इसे पार करने में दिक्कत आ सकती थी। लेकिन अच्छा हमने हमारी सेफ्टी के लिए गुलेल हाथ में रख ली भाई। वो रहा फाइनली फाइनली हम इस घर से एस्केप कर जाएंगे, हमें इस गेट को बस ओपन करना है। अरे भाई हम यहाँ फंस तो नहीं गए, फंस तो नहीं गए भाई, नहीं फंसे। चलो गाइस, तो गाइस इसी के साथ हमने इस वाले एपिसोड में इस घर को एस्केप कर लिया है। तो भाई आप देख सकते हैं इसका घर कितना बड़ा है, और इनकी शक्ल जो है बिल्कुल ही बिगड़ गई है कि ये, ओ भाई आत्मा भी आ गई भाई ये सेलूनर। तो भाई हमें यहाँ पे एंड हो चुका है, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ किसी और नए गेम प्ले में, तब तक ले।